नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। केंद्रीय सुरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने पीलीभीत, बीसलपुर, पूरनपुर, बरखेड़ा चारों विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीत दिलाने का आग्रह क्षेत्र की जनता से किया। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए जनता से चारों प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। इस अवसर पर चारों प्रत्याशी संजय सिंह गंगवार, स्वामी प्रवक्तानंद, विवेक राम सरन वर्मा, बाबूराम पासवान मौजूद रहे। संचालन वरिष्ठ बीजेपी नेता एडवोकेट धीरेंद्र मिश्रा ने किया। बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यकीन रखना, पार्टी का नेता होने के कारण आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक के दामन के ऊपर भ्रष्टाचार की दाग नहीं, भ्रष्टाचार का छीटा लग जाएगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी उस विधायक को निकालकर पार्टी से बाहर कर दी। आप ये कहेंगे कि आपके पास क्या प्रमाण है? दिल्ली में आप लोगों ने हम लोगों की सरकार बनाई 2014 में, और उसके पहले हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी भी सरकार आप लोगों ने केंद्र में बनाई। कांग्रेस की सरकारों को भी इस हिंदुस्तान में काम करते हुए मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों ने देखा है, जब जब कांग्रेस की सरकारें आई है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, यहां तक कि मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार हो दिल्ली में, बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि किसी मंत्री के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या कोई नहीं कह सकता। और हमारे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए बहुत सारे सुधारात्मक कदम, रिफॉर्मेटिव स्टेप्स उठाए हैं। मैं एक उदाहरण का केवल आपको देना चाहता हूं, क्या पिछली सरकारें इन सब सारे कामों को नहीं कर सकती थी? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ ना कुछ सुधार नहीं किए जा सकते थे? लेकिन नहीं किया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जहां पर हमारे किसान मौजूद हैं। बहनों भाइयों, किसानों के खातों में 6000 रुपया प्रतिवर्ष पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, एक बार उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, मैं उसका सम्मान करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन यही राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, 100 पैसा मैं दिल्ली से भेजता हूं नीचे, लेकिन बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है लोगों की जेबों में, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की, बहनों भाइयों, 6000 रुपया की दिल्ली की बैंक से निकलता है तो 6000 का 6000 आपके जेब में पहुंचता है, एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए और भी जितने प्रभावी कदम होंगे, यकीन दिलाते हैं आपको, वो हमारी सरकार उठाएगी। डिजिटाइजेशन का सिलसिला हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए, अन्य भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जाएंगे। बहनों भाइयों, पीलीभीत में सचमुच मुझे आकर बेहद खुशी हो रही है। लखीमपुर और पीलीभीत दोनों के इतिहास से मैं चित्र परिचित हूं। वैसे बहुत विकसित जिला न होने के बावजूद मैं कह सकता हूं
कृषि के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में काफी यहां लोगों ने काम किया है। यहां हमारे सिख भाइयों के योगदान को मैं भूल नहीं सकता हूं, मेरे बहनों भाइयों, कृषि क्षेत्र में चाहे लखीमपुर हो चाहे यहां हो, जो उनका योगदान है, जो काम उन्होंने किया है। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी याद रखना, बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं कि हम लोगों के भाईचारे के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस हकीकत को मत भूलना, क्योंकि मैं भारत के इतिहास से अच्छी तरह परिचित हूं। भारत की संस्कृति की रक्षा करने में अपना सिर कटाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे सिख भाइयों ने किया है। बहनों भाइयों, इसको कभी भूलना मत। कोरोना 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 शांत कोरोना। बहनों भाइयों, हमारे देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने करिश्माई काम किया है कोरोना महामारी से निपटने के लिए, कोविड महामारी से निपटने के लिए करिश्माई काम किया है, जिसकी सराहना सारी दुनिया में हो रही है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे लोग तबाही मची हुई है, लेकिन चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केंद्र सरकार ने जितने प्रभावी कदम उठाए हैं बहनों भाइयों, दुनिया की किसी सरकार ने नहीं उठाए हैं। जितने लोगों का टीकाकरण यहां पर हुआ है, दुनिया में किसी देश का टीकाकरण नहीं, इतने कदम उठाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नए भारत का यदि हमको निर्माण करना है तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश भी हमारा नया प्रदेश बनना चाहिए, नया उत्तर प्रदेश बनना चाहिए, यह मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।